नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। ऐसी न्यूज़ आती है यार, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं दिल को दुख होता है। आप लोगों के साथ भी पूरी बात शेयर करूंगा। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान कंपनी से छुट्टी लेके बोलता है कि एयरपोर्ट जा रहा हूँ, दो दिन में घर पहुँच जाऊँगा, फिर वो घर नहीं आता, छः महीने निकल जाते हैं, एक महीने निकल जाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये आखिर माजरा क्या है। मैंने एक वीडियो एक महीने पहले भी डाला था, सीकर का था बंदा, घर वालों को बोला 5 दिन में घर पहुंच रहा हूं, आज 7 महीने हो गए, 1 महीने बाद तो भाई मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैंने वीडियो डाला था, दुबई का था कोई बंदा, एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले पता नहीं कहां गायब हो जाता है। ये मैटर भी सीकर का ही है, ये हमारे तहसील पड़ती है लक्ष्मगढ़। अगर आप भाई राजस्थानी लोग हो, अगर वीडियो देख रहे हो सीकर चूरू झुंझुनू में, तो मैं बता दूं लक्ष्मगढ़ राजस्थान सीकर की तहसील पड़ती है, खुड़ी छोटी लक्ष्मगढ़ में गांव है। बता दूं 16 जुलाई को, जी हां, नाम है भागीरथ महल। 14 जुलाई को उनका फोन आया था कि 16 जुलाई को घर पहुंच रहा हूं, यानी 14 से 2 दिन का गैप रहा, 2 दिन में घर पहुंच जाऊंगा, कंपनी ने हिसाब दे दिया है, कंपनी ने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रही है। जी हां, इन बातों को आज पूरा 1 महीना, जुलाई से लेके अगस्त 1 महीना हो गया। जी हाँ, 1 महीने के दौरान नहीं तो इनका फ़ोन आया, नहीं ये घर पहुँचे, इनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है, कोई अता पता नहीं है, तो भाई टेंशन तो होगी ना। आप अगर आप अपने ऊपर लेके देखिए, 1 महीने से, अभी एक न्यूज़ पहले भी आई थी 5 दिन पहले कि इनके कोई साटू हैं, वो लक्ष्मणगढ़ थाने में गए तो कांस्टेबल ने इनके साथ धक्का मुक्की कर ली, वो भी बड़ा मैटर आया था। कांस्टेबल ने सफाई दी, नहीं नहीं सेना के जवान हैं, मैंने कोई धक्का मुक्की नहीं करी, पुलिस तो ऐसा कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक जो आदमी वहाँ से निकल के एयरपोर्ट पहुँचने की बहुत बोल रहा है कि 2 दिन में घर पहुँच जाऊँगा, वो बंदा 1 महीने से फ़ोन बंद है, बंदा भी गायब है, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। फ़ोटो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अखबार में ये बात आई है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस बंदे को जानते हो, नंबर मेरा ऐड है, हालांकि ये मुझे किसी ने बोला नहीं है, मैं मेरी मर्जी से ये न्यूज़ बना रहा हूँ, नंबर भी मेरा है, अगर किसी बंदे ने इनको देखा है, गिरथमल है, लक्ष्मगढ़ तहसील है, खुड़ी छोटी इनका गांव है, हमारे इधर के लोग आप भाई बहुत रहते हो कुवैत में, अगर कोई आपके सामने ये बंदा टकराए या राजस्थान इंडिया में, हो सकता है इंडिया में आ जाए, आदमी देखो कोई कुछ पता नहीं लगता, कुछ एक्सीडेंट हो जाए इंडिया में आने के बाद, हो सकता है क्वारंटाइन रहने के, कुछ भी अगर सोचा जाए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो आदमी एयरपोर्ट पे आने वाला है फिर 1 महीने से गायब हो जाता है, ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। विदेश में रहने वाले भाई खास तौर से सीरियस लें इस बात को, समझ रहे हो आप बात को। तो ये भागीरथ महल जी, अगर आपको कहीं दिखे, कोई सूचना हो तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ज़रूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। घर वाले वेट कर रहे हैं, बच्ची वेट कर रही है, वाइफ ये वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि क्या पता कौन सी गली से किधर से आ जाए, क्योंकि जब आता पता नहीं होता है, इंतज़ार होता है तो दूसरा आता है तो भी ये लगता है कि हाँ आ गया, इंतज़ार की घड़ियाँ लंबी होती हैं, लेकिन सच्चाई यही है भाई। कोई न्यूज़ हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर शेयर करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। इस वीडियो को थोड़ा आगे शेयर भी कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।